व्योम टीवी के पेज पर चुनावी सफर में मैं आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। पिछले एक महीने से जिस तरह से झारखंड में राजनीति गरमाई है, एक चीज कहने में रत्ती भर मैं गुरेज नहीं करूंगा कि जो भी प्रत्याशी होंगे उनको इस बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कड़ी मशक्कत की बात जब हम करेंगे तो झारखंड के 81 विधानसभा में सारे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो इस कारण कि सीट मुझे मिलेगा या ना, टिकट मुझे मिलेगा या ना, और जीत की बात के लिए मुझे कौन सा समीकरण अपनाना पड़ेगा। चलिए, जिनका टिकट कंफर्म हो गया उनके भीतर खाने क्या कुछ चल रहा है ये पहले आप समझिए। 81 विधानसभा के अंतर्गत जो हॉट सीट और हॉटकेक वाली बात है उसमें से गांडे विधानसभा भी है। गांडे विधानसभा से 4 से 5 महीना के पहले ही मात्र राजनीतिक धूम मचाने वाली मुख्यमंत्री जी की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक नया दाव खेला और वह दाव का नाम है श्रीमान मैया योजना। मैया योजना के तरीके से जिस तरीके से महिलाओं की गोलबंदी की गई, 1,000 रुपया देकर बाद में 2100 का गोगो दीदी का प्रोजेक्ट किया गया भाजपा के तरफ से, लेकिन एन वक्त पर बात रख दिया गया 2000 और फिर हो गया 2500 रुपया। क्या आपको लगता है मैया योजना सम्मान के पीछे हेमंत जी का कार्य होगा, हेमंत जी की प्रणाली होगी, हेमंत जी का तंत्र होगा, हेमंत जी का सोच होगा, या हेमंत जी का एक ऐसा समीकरण होगा जहां राजनीति में एक जबरदस्त पकड़ झारखंड में सरकार बनाने को लेकर होगा? तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको सुस्पष्ट तरीके से बता रहा हूं, जिस तरह गांडे उपचुनाव में जीतने के बाद कल्पना सोरेन ने अपना एक नया राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक पखवाड़ा, राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक सिस्टम बनाया, मुझे लगता है यह बिल्कुल हर पार्टियों के लिए एक बड़ा चुनौती रहने जा रहा है। इस बड़ी चुनौती की बात इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए कभी भी किसी बैनर पर, किसी प्लेटफॉर्म पर कल्पना सोरेन जी ने राजनीति की बात नहीं की। लेकिन वो कहते हैं ना कि सती सावित्री वाली बात आ जाता है जब 7 फेरों के 7 वचन यहां निभाने के लिए उतरी कल्पना सोरेन जी। जब पति जेल में थे तो अब मोर्चा तो संभालना था, और चूंकि राजनीतिक परिशिष्ट ही पूरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है तो कल्पना जी ने जिस तरीके से घेराबंदी की, मुझे लगता है विरोधी परत अपने आप में बड़ा कमजोर महसूस किए, पदास्थ की, और गांडे उपचुनाव में मजबूती के साथ जीत दर्ज की। आज जिस तरह वो गाड़ियों पर खड़ी होकर, आज जिस तरह से अपनी बात को वो रख रही हैं, मुझे लगता है जेल कैंप के प्रत्याशी जयराम महतो के द्वारा जो दिया गया अकील अख्तर जी के लिए भी चुनौती कम नहीं है। लेकिन ये बात भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं श्रीमान, कल्पना सोरेन जी का गोलबंदी अपनी तरफ है, लेकिन जयराम महतो का जो समीकरण इस बार राजनीतिक अखाड़े में है गांडे विधानसभा के लिए, उनके तरफ से रखा जा रहा कि रानी के विरुद्ध मुझे लड़ना है, यह कहना है उर्फ रिजवान जी का। रिजवान जी एक बेहतर प्रवक्ता, रिजवान जी एक बेहतर समीकरण, रिजवान जी जयराम महतो के पैरेलल खड़ा होकर लोकसभा की राजनीति में, लोकसभा की राजनीति में, लोकसभा के समीकरण में जो भूमिका डाले हैं, मुझे लगता है यह चाशनी में मिठास लाने का काम करेगा। लेकिन बिना नमकीन का श्रीमान स्वाद नहीं आता। नमकीन इसलिए चाहिए कि अगर आपको मिठास के अंतर्गत नमकीन का स्वाद मिल जाए तो कहीं ना कहीं बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। अब राजनीति में टेस्ट गांडे में बढ़ाना था तो जयराम महतो सीधा अल्पसंख्यक का ट्रम्प कार्ड खेले। अल्पसंख्यक का ट्रम्प कार्ड कहने का मतलब अकील अख्तर जी अल्पसंख्यक से आते हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक पकड़ है जेल कैंप के अंतर्गत बिल्कुल पैरेलल स्ट्रीम के साथ जयराम के साथ खड़े हैं। जयराम के साथ खड़ा दिखने का मतलब यह नहीं कि जयराम जी के केवल वो नजदीक हैं, उनमें वो काबिलियत भी दिखी, उनमें वो जज्बा भी दिखा, उनमें वो जुनून भी दिखा जो रिजवान जी के लिए गांडे विधानसभा में एक बड़ा समीकरण बनाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले उन पर एक आरोप भी लगा, आरोप की पुष्टि ना तो हमारा चैनल करता है ना ही जेल कैंप के तरफ से लिफाफा खोलकर बतलाया गया। जब टिकट उन्हें मिल गया, जब गांडे सीट उन्हें मिल गया, तो इतना तो तय है कि अभी भी वो जेल कैंप के जयराम महतो के दिल में रहते हैं। अब कौन किसके दिल में रहता है ये तो वोट बताएगा, लेकिन वोट का जो समीकरण बनता है वह जातिवादी है। मैंने सदैव एक बात कहा है कि भारत में अगर राजनीति करना है तो आपको जाति समीकरण के मुद्दों को हमेशा भुनाना पड़ेगा। अब वो तवा में चढ़ा हुआ रोटी है कि छिलका, वो तो समय बताएगा। अगर तेल नहीं लगाते हैं श्रीमान तो आपका छिलका भी पलट नहीं पाएगा। आरोप जेल की तरफ से पूरा है, मुद्रा वर्सेस मुद्दा।
लेकिन कल्पना सोरेन की जो गोलबंदी है, राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक पैठ, राजनीतिक पकड़, राजनीतिक परिभाषा, राजनीतिक भाषण उनका तो इस तरीके से इन दिनों खासकर मैया योजना को लेकर, अबुआ आवास को लेकर, या अन्य योजनाओं को लेकर, या स्कूली शिक्षा को लेकर, या छोटी बच्चियों की शिक्षा को लेकर जिस तरीके से महिलाओं में एक घेराबंदी उन्होंने डाला, ये तो तय है श्रीमान बुखार होगा, बुखार होगा श्रीमान विपक्षी को। लेकिन बात आता है जब जयराम गोलबंदी करने पहुंचेंगे, उस भीड़ को कैसे रोकेंगी कल्पना सोरेन जी, जब जयराम जी का भाषण होगा उस भीड़ के आगे कौन सा राजनीतिक सगुफा उन्हें फेंकना पड़ेगा, जब भीड़ जयराम के लिए पागलों जैसी मंच के नीचे हाहाकार मच रहा होगा, उस समय जेएमएम क्या करेगी। चूंकि इंडिया अलायंस के अंतर्गत कल्पना जी का कांग्रेस का भी गांडे में वोट है, अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां, क्या इसकी सेंधमारी में अकेले अख्तर सफल हो पाएंगे? और अगर किसी कारण बस अकेले अख्तर सफल नहीं होते हैं जना मतों की पार्टी से, तो मुझे लगता है एक ही और सिंपल रीजन आपको समझना पड़ेगा, वह सिंपल रीजन है अल्पसंख्यक का मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड और ट्रंप कार्ड हम इसलिए कह रहे हैं श्रीमान, अगर अल्पसंख्यक आपके तरफ नहीं घुमा और मैया योजना और अबुआ आवास योजना के सिस्टम को अगर भुनाने में लगी कल्पना सोरेन, तो अकील जी आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया कभी आप इधर घुस डाल रहे हैं, कभी आप इधर डाल रहे हैं पाले में, मेरा तो काम है श्रीमान, मैं पत्रकारिता धर्म के माध्यम से इन्हीं सारी मुद्दों को आपके पास लेकर रखूंगा कि जो भौगोलिक क्षेत्र है गांडे का, उस भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी जाति समीकरण के वोट होंगे उसमें एक चीज तो तय है कि इस बार मास्टर कार्ड जो गांडे में है घूमेगा एक ही जाति के आसपास, वो होगा अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या सोच रहा है, अल्पसंख्यक क्यों सोच रहा है और अल्पसंख्यक कब सोचेगा, यही सारी चीजें रिजवान जी के तरफ रखी जाएगी। हमेशा इस बात को रखा गया जेएलकेएम के तरफ से जयराम महतो और उनके पैरेलल प्रवक्ता रिजवान जी के द्वारा रखा गया कि झारखंड कुपोषित है, झारखंड परेशान है, झारखंड दंश झेल रहा है पलायन का, झारखंड दंश झेल रहा है विस्थापन का। चलिए ये सारी चीजें तो सब कोई रखता है, लेकिन वोटर क्या सोच रहा है, वोटर को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान वाली बात, वोटर को क्या चाहिए, वही सारी चीजें जिससे वो एक बेहतर समीकरण तैयार करे। अब एक चीज तो तय है श्रीमान कि भारतीय राजनीति के अंतर्गत इस बार झारखंड का जो चुनाव है 2024 के नवंबर माह में 13 तारीख और 20 तारीख का जो समीकरण होगा वह बड़ा गरमाया हुआ रहेगा, और इतना तो तय है कि कल्पना सोरेन जी का भी जीत आसान नहीं होगा, लेकिन अकील अख्तर जी के द्वारा जो राजनीतिक समीकरण जेएलकेएम के माध्यम से जयराम महतो के पक्ष में रखा जाएगा उनकी पार्टी को जिताने के लिए, वह युवाओं के तरफ से एक भीड़ दिखेगा। क्या कुछ होगा 2024 में, इतना तो तय है गांडे विधानसभा करवट लेगा, बदला होगा या बदलाव परिवर्तन या समालोचना आलोचना, महाकुंभ का तैयारी करो मेरे गांडे वासी, बस अब की बार किसके माथे पर लगेगा राज तिलक, इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखें। मैं व्योम टीवी के पेज पर लगातार आपको विधानसभा की राजनीतिक समीकरण से बड़े प्रतिद्वंदी के बीच में होने वाले खेल को लेकर आपके पास रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।